I lay a copy of the said bill on the table. Professor Manoj Kumar Jha, 9 minutes. जी सर, वाकिफ हूँ. शुक्रिया सर. बिल्कुल शुक्रिया सभापति महोदय. एक छोटी कहानी से शुरू करना चाहता हूँ. हमारे विश्वविद्यालय में एक शिक्षक थे, वो कह रहे थे कि एक सेठ थे राजस्थान में, अचानक सांप सांप चिल्लाने लगे. तो लोग आए, बोले क्या हुआ? बोला देखो सांप अभी पेट पर से चल के चला गया. बोले काटा तो नहीं ना? बोला नहीं काटा नहीं, रास्ता देख गया. So when I rise professor today, this is my court, everyone in the house knows, not of your use. Yeah, sir ye to maine kaha hai sir. Can I, sir, I would want all of you to give me uninterrupted time. I'll not speak anything which is going to prick you or disturb your rhythm. What I wanted to say sir, asal mein kai varsh purv bhi dekha is desh mein, aaj bhi dekh rahe hain. जब बहुत बड़ी सत्ता आती है ना, तो कई ख्याल आते हैं. कुछ अच्छे होते हैं और कुछ लगता है जिसको हम कहते हैं लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट. मैं और मेरी कलीग, सीनियर कलीग जया जी, हम लोग बात कर रहे थे, इतने पावर का करोगे क्या? कम है क्या? इतने राज्यों में सरकार है, केंद्र में सरकार है, 303 का बहुमत है. उसके बावजूद अगर किसी निर्वाचित सरकार को लेकर के ये आपकी प्रणाली हो, कार्य प्रणाली हो, जहां की सुप्रीम को 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन हुआ, मेरे कई कलीग कह चुके हैं, संभवतः हमारी सरकार ने सोचा होगा कि वेकेशन में जाने से पूर्व उनको कुछ ऐसा पकड़ा दो कि अवकाश में भी वो सोचते रहे इसके बारे में. तो उन्होंने 19 मई को ये ऑर्डिनेंस लेकर के आए. अब जजों का काम था कि इस पर लगातार सोचते रहे. सर, इससे पहले कि मोटा मोटी कुछ बिंदु पे मैं आऊं, मेरे कुछ साथी वो जिन्होंने लोकसभा में वोट किया है, मोस्ट लाइकली दे विल डू द सेम हियर. हालांकि लोकसभा के बारे में जिक्र नहीं करना चाहता था माननीय सभापति महोदय. डाइवर्सिटी शब्द का आप बहुत जिक्र करते हैं, हम सब उसमें रिजॉइस करते हैं, हमारी प्राइड है वो. लेकिन एक मंत्री महोदया डाइवर्सिटी बोलते बोलते बोल गई कि इंडिया इज कॉम्प्लिकेटेड. सर, बचपन से लेकर आज तक इंडिया कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगा कभी. ये रिकॉर्ड में है पार्लियामेंट के, इसलिए मेरी चिंता है. इंडिया कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सर, बड़ा सहज स्वभाव है इंडिया का, महासागर वाला है सर, सब कुछ समा जाता है, मजहब हो, धर्म हो, जाति हो, कौम हो, कोई हो. लेकिन इसको जब तालाब बनाने की आप कोशिश करते हैं तो महासागर तालाब नहीं बनना चाहता. सर, फॉर ऑल दोज फ्रेंड्स, बड़ी अच्छी अच्छी बात कही, इक्वी डिस्टेंस. सर, इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है न्यूट्रलिटी. जब चूहे की पूंछ पे हाथी का पांव पड़ा हो तो न्यूट्रलिटी उस चूहे से पूछिए कि उसको कैसा लग रहा है. तो मैं समझता हूं, इसलिए सर एक शेर अर्ज किया है. आज बड़े शेर पढ़े गए हैं, सुधांशु जी ने पढ़ा, तो मैं भी एक अर्ज करता हूं सर. ये परोस के मुल्क से आया है. तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, तुम तकल्लुफ को भी इखलास, इखलास मतलब ट्रू फ्रेंडशिप, तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज. दोस्त होता नहीं है हर कोई हाथ मिलाने वाला, आपकी पेशे नजर है जी. तो मैं ये कहना चाह रहा था सर, सर एट अ हिस्टोरिकल जंक्चर. एक चीज और मुझे बड़ी अच्छी लगी उस दिन, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने जवाहरलाल नेहरू जी को कोट किया. एक पल को मुझको लगा कि शांति वन में अस्थियां कसमसा गई होंगी, ये हुआ क्या, ये हुआ क्या. फिर अंबेडकर साहब को भी कोट किया, राजा जी को कोट किया, उन्होंने कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी को कोट नहीं किया, एचवी कामत को कोट नहीं किया, जो शायद ज्यादा उनके पक्ष में तर्क आ जाता. सर, विश्वविद्यालय में मैं पढ़ाता हूं तो पीएचडी के स्टूडेंट्स को साइटेशन हम लोग सिखाते हैं, जिसको कहते हैं एथिकल साइटेशन. एथिकल साइटेशन में यह नहीं होता है कि सेमी कोलोन के बाद का ले लिया और शुरू वाला छोड़ दिया. उदाहरण के लिए कहता हूं कि आज तक इस दुनिया में सबको लगता है, इस देश में, कि मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम है, रिलीजन इज द ओपियम फॉर मैसेस. सॉरी सर, द एंटायर कोट इज रिलीजन इज द साई ऑफ द ऑप्रेस्ड क्रीचर, द हार्ट ऑफ ए हार्टलेस वर्ल्ड एंड द सोल ऑफ सोललेस कंडीशन, इट इज द ओपियम ऑफ पीपल. सर, अब इसमें क्या किया हमने, सिर्फ ओपियम वाला लाइन निकाल लिया और मार्क्स को कह दिया कि धर्म विरोधी था. सर,
मैं इसलिए कहता हूं साइटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहरहाल जवाहरलाल जी की अस्थियों को मजा आया होगा जहां तक मुझको लगता है शांतिवन में। सर ये मूलतः मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं बीजेपी के कार्यप्रणाली का विरोधी हूं सर, वो एक पॉलिटिकल रियलिटी है, हम भी एक पॉलिटिकल रियलिटी है। हम शत्रुता की जुबान से हमें एक दूसरे को संबोधन नहीं करना चाहिए, ना सदन में ना सदन के बाहर। साहब हम इंडियन मुजाहिदीन नहीं है, साहब हम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, हम वो भारतवर्ष हैं जिसको महासागर मैंने कहा, और उस महासागर में आप भी हैं हम भी हैं, हम और आप एक दूसरे की कीमत पर नहीं है। तो सर मैं ये कहना चाहता था कि ये प्रतिगामी बिल है। सर आपको घंटी नहीं बजाना पड़ेगा, मैं प्रॉमिस करता हूं पक्का उसी में खत्म कर दूंगा। सर प्रतिगामी मैंने क्यों कहा, दुनिया देख रही है कि हम कितना प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन ला रहे हैं। सर ये मुझे जो चिंता इसमें ये हो रही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया, सर कुछ सोच के दिया होगा ना। आप अक्सर कहते हैं कि नेहरू नहीं चाहते थे, अरे नेहरू 56 में नहीं चाहते थे, 67 वर्ष बीत गए हैं, हकीकत नहीं बदलती क्या? नेहरू के टाइम में हम सार्वजनिक क्षेत्रों में कितना ध्यान देते थे और आज हम बेचने पर ध्यान दे रहे हैं, ये फर्क आया है ना सर? चूंकि ये फर्क आया है तो हर हकीकत में फर्क होता है। 56 का की दिल्ली और आज की दिल्ली वही नहीं है सर। सर मैं तो अरविंद केजरीवाल जी का बिल ही नहीं मानता हूं, दिल्ली गवर्नमेंट का बिल ही नहीं मानता हूं, मैं तो ये मानता हूं कि सर अगर ये प्रयोग सफल हुआ, अगर सांप ने रास्ता देख लिया, तो कल को उन पर भी गाज गिरेगी जो आज न्यूट्रलिटी और इक्विडिस्टेंट के नाम पर न जाने क्या क्या सोच रहे हैं। सर हम तब भी आपके साथ होंगे, ये तो गारंटी है सर, हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। परेशान हताश लोगों के पक्ष में खड़ा होना, हम तो कश्मीर चल रहा था उस वक्त आम आदमी पार्टी ने कोई और पोजीशन लिया था, आज उनको समझ में आ रहा होगा कि क्यों उस वक्त वो पोजीशन लिया। और आज मैं ये कह रहा हूं कि कल को किसी राज्य के साथ होगा, हम आपके साथ होंगे। सर सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर के मेरे कई कलीग कह चुके हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस एक तीन चीज कहूंगा सर। अगर ब्यूरोक्रेट्स मिनिस्टर को उत्तरदायी नहीं है, सर ये अराजकता को जन्म नहीं देगी क्या? मैं दिल्ली की जनता, अगर मैं दिल्ली सरकार हूं, मैं दिल्ली की जनता के लिए उत्तरदायी हूं। जैसे राघव कह रहे थे, अगर कोई विसंगति कहीं आती है एलजी साहब के पास जाऊं सर, वो चुनाव जीते, हालांकि मैं जानता हूं इस देश में गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की भूमिका में विस्तार हो गया, अब तो वो राज्यों के नाम बदल दे रहे हैं। सर आपकी मुस्कुराहट इंगित कर रही है कुछ। मैं ये कहना चाह रहा था सर, और मैं समझता हूं कि ये बात मैं कह करके और 239AA के बारे में जो बातें कही गई हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, सिर्फ मैं एक चीज पे आऊंगा, कोरम। सर ये कमाल का कोरम हुआ, 3 में से 2 होंगे, मुख्यमंत्री बेचारा चेयरमैन है, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, चेयरमैन विदाउट चेयर, मुख्यमंत्री चेयरमैन है, वो अगर 2 मिनट लेट भी पहुंचेंगे तो कोरम डिसाइड कर लेगा क्या करना है दिल्ली के लिए। सर इट इज नॉट कोरम, इट इज एक्चुअली एन इंस्ट्रूमेंट टू डेसिमेट द वेरी आइडिया ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट। सर सर घंटी हो जाइए, केशव राव जी की श्रेणी में 1.5-2 मिनट और ले लूंगा। सर एक सोल डिस्क्रिशन का मामला आया है, सोल डिस्क्रिशन, और ये मैं आग्रह करूंगा माननीय गृह मंत्री जी से, हमारी महामहिम राष्ट्रपति के लिए भी जो संदर्भ आते हैं ना, टू एड एन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट और द मिनिस्ट्री, सर उनका भी सोल डिस्क्रिशन नहीं होता है, ये तो एक तरह से मुझे सोललेस डिस्क्रिशन दिख रहा है, आत्मा विहीन डिस्क्रिशन सर, ये उसमें नहीं फिट बैठता है। सर एक और चीज, मैं अभी कल गूगल कर रहा था सर फेडरलिज्म पर, 2 बहुत महत्वपूर्ण कोट मिले इंटरेस्टिंग लोगों के, एक चंद्रबाबू नायडू जी का, एक नवीन पटनायक जी का, वो कोट मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, बस मैं बता देना चाहता हूं आखिरी सर, ये पेशे नजर तमाम लोगों के जो कहते हैं, अपील करते हैं कि साहब मदद करो इस बिल पे, तो दुष्यंत जी कह के गए थे कि उनकी अपील है कि हम उनकी मदद करें, चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए। सर ये चाकू पसलियों से कह रही है हमारी मदद करो, सर ये आसान मामला नहीं है। जय हिंद सर, जय हिंद, करीम।